Hello friends, exercise 8.1, Maths class 10th, NCERT, page 181, question number 9, in triangle ABC, right angle at B, 10A is equal to 1 by root 3, find the value of sine A, cos C plus cos A sin C, second है cos A, cos C minus sin a sin c. तो इसमें सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे. तो यहां पे tan a is equal to 1 by root 3. So tan is equal to 1 by root 3 और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan a ये है tan a, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये bc और इसका बेस क्या हुआ, AB. ये हमें ध्यान रखना है, A के अपोजिट में जो है वो परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया. तो ये ध्यान रखना है, अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है. तो ये हो गया BC upon AB. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको BC is equal to 1K, तो 1K की जगह हम K ले सकते हैं और AB is equal to क्या हो जाएगा, root 3K, एक कांस्टेंट वो मान लिया हमने. अब हम क्या करेंगे, इसमें AC निकाल लेंगे. तो AC is equal to direct लिख देते हैं, AC square is equal to BC square plus AB square. तो AC is equal to root of BC square plus AB square. BC की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है K और इसकी वैल्यू है root 3K. तो K square plus root 3K स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री, कितना हो गया 3K स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4K स्क्वायर, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 के आ गया इसका वैल्यू, एसी इज इक्वल टू आ गया 2. तो एसी इज इक्वल टू क्या आ गया 2. अब हमारा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें साइन ए कॉस सी कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी ये हम वैल्यूज निकाल लेते हैं. साइन ए कॉस साइन ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए. साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो ए का परपेंडिकुलर क्या है, के, यहां हो जाएगा के अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2K. तो ये के से के कट जाएगा, तो यहां 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2. साइन ए हो गया. अब हमें क्या निकालना है, साइन ए के बाद कॉस ए निकाल लेते हैं साथ साथ में. तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस क्या है इसका, रूट थ्री के. तो यहां पर बेस हो जाएगा रूट थ्री के अपॉन 2K. इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे ए बी अपॉन ए सी, इसको इसी तरह इसको लिख सकते थे बी सी अपॉन ए सी. तो ये हो जाएगा के से के कैंसिल हो गया, कितना होगी वैल्यू, रूट थ्री बाय. अब इसका ये निकाले हम साइन सी और कॉस सी. तो साइन सी क्या है, अब साइन सी के लिए देखिए एंगल चेंज हो गया, तो साइन सी मतलब ये वाला हो गया. तो इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, हाइपोटेनस तो यही. तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी. ए बी अपॉन ए सी क्या है, रूट थ्री के, रूट थ्री के अपॉन 2K. कैसे के कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री अपॉन 2. इसी तरह हम कॉस सी की वैल्यू निकाल लेंगे. तो कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos c क्या होगा, बेस अपॉन cos c. अब c का ये बेस क्या होगा, k. तो bc अपॉन ac, तो bc अपॉन ac मतलब k अपॉन ये हो गया 2k. तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2. अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यूज निकालनी है. तो यहां से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हम वैल्यूज रख देते हैं, sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c. तो sin a कितना है हमारा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos c, cos c कितना है 1/2 प्लस cos a, cos a कितना है रूट 3/2 और sin c कितना है रूट 3/2. तो ये कितना हो गया, 1 1 और 2 2 4 और रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3 और 2 2 4.
कैंसिल भी है 4, इधर आ गया 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, दैट इज 4 अपॉन 4, तो 4 बंदा 4, आंसर कितना आ गया, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट का 1, सेकंड ये आंसर हो गया इसका, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या है, cos a, cos c माइनस sin a, sin c, cos a की वैल्यू रखते हैं, cos a की रूट 3 बाय 2, cos c की वैल्यू क्या है, cos c रहा, cos c 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 माइनस sin a की वैल्यू क्या है, sin a 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है sin c, sin c क्या है रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2 अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो रूट 3 बंदा रूट 3, तो रूट 3 अपॉन 2 टू द 4 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा रूट 3 बंदा रूट 3, तो रूट 3 अपॉन 2 द 4, तो रूट 3 अपॉन 4 में से रूट 3 अपॉन 4 को सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया 0, तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।